तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। किसी धावक के लिए इससे बड़े गौरव की बात क्या होगी कि वह देश का ध्वज लेकर दौड़े। एक नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, पूरे 100 किलोमीटर दौड़े। 22 नवंबर 2020 को देश भर के 174 रनर्स और 241 राइडर्स ने एक नया इतिहास रचा जब वे देश का ध्वज लेकर पूरे 100 किलोमीटर दौड़े। पर किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में, पंजाब से केरल तक, राजस्थान से असम तक। इन फ्लैग रनर्स में से एक मैं भी थी, शशि, चेस्ट नंबर 86, अ प्राउड इंडियन वुमन हु लव्स टू रन। निकल पड़े हम सुबह के अंधेरे में पूरी तैयारी के साथ, हाइड्रेशन पैक में अपना पूरा सामान डालकर, ब्लैडर में पानी भरकर, क्योंकि हमारा सफ़र कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं था, ये तो एक जंग थी 100 किलोमीटर दौड़ने की। दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, दुनिया बढ़ते सूरज को सलाम करती है। ईश्वर करे हमारे देश का नाम हमेशा ऊंचा रहे, उसका झंडा हमेशा ऊंचा रहे, इस उगते सूरज की तरह। वंदे मातरम। कितनी गर्व की बात है देश का झंडा लेकर दौड़ना। और भी ज्यादा गर्व की बात तो तब होती है जब आप देश का झंडा लेकर 100 किलोमीटर दौड़ते हो। ये कोई आसान जंग नहीं है, पर देश के प्रति हमारा प्यार है, हमारा स्वाभिमान है जो हमें ताकत दे रहा है, और हम दौड़ रहे हैं पूरे 100 किलोमीटर। कैसा है जोश? बहुत बढ़िया। इंडियन फ्लैग रनर्स 100 किलोमीटर चैलेंज, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है हमने, और हम दौड़ रहे हैं नेशनल फ्लैग के साथ पूरे 100 किलोमीटर, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर और वापस। सुबह 4 बजे हमने दौड़ना शुरू किया और अभी 7 बजने वाला है। हम लोग लगभग 24 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। बहुत गर्व हो रहा है देश के झंडे को पकड़कर दौड़ने में। मेरे साथ है अनुराग सैनी और हितेश कुनियाल। अनुराग, ये आपकी लाइफ का सबसे लंबा रन है? मैम, पहली बार मैं 100 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे लाइफ का सबसे लंबा रन है। पहले मैंने सिर्फ 60 किलोमीटर रन किया है। और झंडे को पकड़ के दौड़ने में कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और लग रहा है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। भले हम फौज में नहीं है, बट फिर भी ऐसा फील आ रहा है, वी आर डूइंग समथिंग फॉर नेशन। फौज में नहीं है पर फौजी जैसा जज्बा रखते हैं, फौजी जैसा जोश है हमारे दिल में। गर्व से सीना फूल रहा था मेरा जब आने जाने वाले लोग मुझे देश का ध्वज पकड़े दौड़ते हुए देख रहे थे। एक महिला होने के नाते मुझे और भी ज़्यादा गर्व हो रहा था, क्योंकि किसी महिला को देश का ध्वज पकड़े दौड़ते हुए देखना कोई आम दृश्य नहीं था। थक जाएंगे पर रुकेंगे नहीं, मिट जाएंगे पर रुकेंगे नहीं, दौड़ेंगे पूरे 100 किलोमीटर देश के नाम। वंदे मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये दौड़ है देश के जवानों के नाम, ये दौड़ है देश के किसानों के नाम, ये दौड़ है इन हरे भरे खेतों के नाम, देश की इस उपजाऊ धरती के नाम। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मैं 68 किलोमीटर दौड़ चुकी हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में, एंकल्स में, पैरों के पंजों में, लेकिन फिर भी मैं दौड़ रही हूँ पूरी खुशी के साथ। बिकॉज पेन इज टेम्प्रेरी बट ग्लोरी इज परमानेंट। देश के झंडे को पकड़कर 100 किलोमीटर दौड़ना सच में कितने फख्र की बात है, ये किसी ग्लोरी से कम नहीं है। इसलिए पूरे जोश में दौड़े जा रही हूँ, भारत माता की जय कहते हुए। बात जब देश के प्रति प्यार जाहिर करने की हो तो इसमें कोई विजेता नहीं होता, कोई हारने वाला नहीं होता। हर वो व्यक्ति जिसने इस दौड़ को पूरा किया, पूरा करने की कोशिश की,
जो ध्वज को लेकर दौड़ता रहा दर्द के बावजूद, हर वो रनर विजेता है।